हेलो एवरीवन, आप सभी का जायकेदार मंजूस किचन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? अब तक तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज मेरी रेसिपी में क्या है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। आज मैं लेकर के आई हूँ ड्राई वेज मंचूरियन की रेसिपी, और बहुत ही लाजवाब बने हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट या होटल स्टाइल में। बनाना सिंपल है। आइए इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो है ड्राई मंचूरियन के लिए बॉल्स बनाएंगे, और उसके लिए मैं यहाँ सब्ज़ियाँ जो ले रही हूँ अपनी पसंद के हिसाब से, यानी मेरे घर में जो सबको पसंद है वो है कैरेट, कैबेज एंड कैप्सिकम। आप अपनी पसंद से जो है कोई सी भी सब्ज़ी ले सकते हैं। और बिल्कुल महीन ग्रेटर से मैंने गाजर को ग्रेट किया है। ये कैबेज जो है महीन ग्रेटर से तो नहीं होगा, इसके लिए मैं एक मोटे ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि महीन से बहुत बारीक हो जाएगा। तो जो है इसको भी, कैबेज को भी हमने ग्रेट कर लिया। और शिमला मिर्च, तो ग्रीन, रेड, येलो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कीजिए, और इसको भी ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम मिला लेंगे अच्छे से, और इसमें सीजनिंग डालेंगे, नमक, हमेशा मैं सेंधा नमक ही इस्तेमाल करती हूँ, एंड फिर यह अजीनोमोटो, तो बिल्कुल 1/4 टीस्पून जस्ट स्वाद के लिए मैं डाल रही हूँ। साथ ही डालूँगी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए, और इसके साथ जाएगा कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ 5 से 6 टेबलस्पून जो है हमने कॉर्नफ्लावर डालना है, ताकि इसमें एक अच्छा सा बाइंड आ जाए। इन सभी को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक्स्ट्रा पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जियों के अंदर अपना एक मॉइस्चर होता है, उसी से ये बाइंड हो जाएगा। हल्का सा ऑयल लगा करके हाथ को ग्रीस करेंगे एंड बॉल्स बनाएंगे। तो ड्राई मंचूरियन में आपने देखा है बॉल्स का शेप जो होता है वो राउंड होता है, तो हम भी जो है राउंड शेप का ही बॉल्स बनाने वाले हैं। और इस तरह से हमने सभी बॉल्स को बना करके रेडी कर लेना है, और आप देख रहे हैं टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आया है, अच्छे से बाइंड होकर के प्रॉपर एक बॉल्स का शेप आ गया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे, कुकिंग ऑयल आप अपने पसंद के हिसाब से लीजिए, और फ्लेम को जो है मीडियम पर रखेंगे। हाई पर रखने से जो बॉल्स ऊपर से काफ़ी डार्क हो जाएंगे और अंदर से पक नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर, इसे लो टू मीडियम या मीडियम फ्लेम पर रख करके आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें, गोल्डन कलर होने तक या डार्क गोल्डन क्रिस्पी होने तक आप इसको अपने चॉइस के हिसाब से उस तरह से फ्राई कर लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ में। और ये बहुत सिंपल रेसिपी है, झट से तैयार हो जाती है, तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। और ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बारीक कटा हुआ अदरक, कैबेज, हरी मिर्च, स्प्रिंग अनियन, लहसुन है ये पीछे जो स्प्रिंग अनियन की गांठ होती है, अनियन, और चिंग्स का जो ड्राई मंचूरियन मसाला है वो चिंग्स का ही मैंने सोया सॉस एंड चिली सॉस भी लिया हुआ है। और मंचूरियन को बनाने के लिए मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली हुई है, ये बहुत ज़्यादा मोटी कढ़ाई नहीं है, और अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कुकिंग ऑयल डालें, फ्लेम को हाई पर रखेंगे, और गर्म हो जाए जब ही तेल, तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, और बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, और इन्हें डाल करके हम 1 मिनट तक सॉटे करेंगे, या फिर तब तक आप सॉटे करें जब तक कि ये हल्का गोल्डन कलर का नहीं हो जाए। और इसके बाद जो है हमने फ्लेम को तो हाई पर ही रखना है, लो पर नहीं रखेंगे, और बारीक कटा हुआ जो अनियन है इसे डाल देंगे, और स्प्रिंग अनियन के पीछे वाली जो गांठ होती है उसे भी डालेंगे। साथ ही डालेंगे कैबेज बिल्कुल बारीक कट करके, इसके साथ ही आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन के ग्रीन वाला जो पार्ट है वो भी डाल सकते हैं, और साथ ही आप शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल इस वक्त कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर ही मैं इन्हें सॉटे कर रही हूँ, और इनका कलर बहुत अच्छा एकदम आ गया, लाइट गोल्डन सा हो गया। अब इसमें हमने मैदा डालना है, तो 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, जिससे कि ग्रेवी में एक बाइंड आए, तो इसके लिए मैं यहाँ मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे भी हल्का सा भून लेंगे, और इसके बाद जो हमने बाकी का इन्ग्रीडियंट्स एक एक करके डालना है, तो ये है ग्रीन चिली सॉस, चिंग्स का ही मैंने लिया हुआ है, और रेड चिली सॉस, आपके पास जो भी ब्रांड का अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल करें, और सोया सॉस 1 टीस्पून के करीब। तो इन सभी को मिला करके हल्का सा पानी 4 से 5 टेबलस्पून डालेंगे, और इस ग्रेवी को जो है पका लेंगे हम 2 से 3 मिनट तक,
बिल्कुल इसको हाई फ्लेम पर ही मैं पका रही हूँ और देखिए कलर कितना परफेक्ट आया हुआ है। और इस वक्त हमने ये चिंग्स का जो ड्राई मंचूरियन मसाला है इसको ऐड कर देंगे। इसको डालने से जो है मंचूरियन में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, मतलब कमाल का टेस्ट आता है। तो जब भी आप बनाएं तो इस मसाले का इंतज़ाम ज़रूर कर लें और फिर उसके बाद इस मसाले के साथ में ड्राई मंचूरियन डालें। थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ जिससे कि ग्रेवी जो है हल्की सी ढीली हो जाए और बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है। ज़्यादा मंचूरियन में ग्रेवी पतली नहीं होती है, कुछ इसी तरह से उसकी थिकनेस होती है। और इसको पकाने के बाद हमने जो है बॉल्स को डाल देना है। बहुत सिंपल रेसिपी है, खाने में बहुत ही अमेजिंग है। रोटी के साथ में खाइए, आप किसी भी ब्रेड के साथ में आप इसे खाइए या फिर ऐसे ही स्नैक्स में इसको खाइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और एक पार्टी स्नैक्स है, किसी भी पार्टी में आप इसको सर्व कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन डालते ही आप देखिए इसका कलर कितना लाजवाब सा हो गया है। और ड्राई मंचूरियन जो है बन करके रेडी हैं, अब इनको हम डिश आउट करेंगे और गर्मा गर्म जो है आप इसे परोसिए। गर्मा गर्म खाने में बहुत मज़ा आती है। वेज ड्राई मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बगैर आपके सपोर्ट के मेरा आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से चैनल पर आते रहिए और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। फिर मिलती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ में। हाँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।